What's up guys? Welcome back to और आज हम पढ़ने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग तो आपने ऑफ कोर्स टीवी पे न्यूज चैनल्स देखे होंगे तो उसमें आपने काफी बार सुना होगा हेयर इज डैश विद एन एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ऑन डैश एंड दैट कैन बी वट एवर तो बेसिकली आप इस सेक्शन में एक जर्नलिस्ट का काम करोगे आप एक स्टाफ कॉरिस्पोंडेंट होगे या स्टाफ रिस्पोंडेंट होगे और आपको एक टास्क दिया जा रहा है कि आप एक इवेंट या फिर एक दुर्घटना के बारे में जाके रिपोर्ट लिखो ठीक है तो ये एक टाइप का हो गया दूसरे टाइप का आपके सिलेबस में है स्कूल मैगजीन के लिए एक रिपोर्ट लिखना तो आपके स्कूल में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ और आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हो आप हेड बॉय हो आप हेड गर्ल हो आप काउंसिल मेंबर हो और आपको उस इवेंट के बारे में रिपोर्ट लिखनी है तो ये आपके सी बी एस ई क्लास ट्वेल्व ट्वेंटी ट्वेंटी वन एग्जाम में आने वाला है तो वट इज द सीक्रेट टू स्कोर मार्क्स इन दिस सेक्शन इट्स डिस्क्रिप्शन रिमेंबर आपको काफी डिस्क्राइब करना है बिकॉज यू आर राइटिंग अबाउट एन इवेंट ठीक है और इवेंट के बारे में लिखना होता है द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट ठीक है इवेंट में क्या हुआ कब हुआ क्यों हुआ स्टफ लाइक दैट सो दिस इज द सीक्रेट टू स्कोर मार्क्स डिस्क्राइब करो बट इतना एलैबोरेट ना करो कि आपकी वर्ड लिमिट एक्सीड हो जाए सो इन एनी केस टू नॉट राइट मोर देन टू हंड्रेड वर्ड्स राइट सो यू वी रिक्वायर टू राइट 150 टू टू हंड्रेड वर्ड इन द एग्जाम एज आई सेट दो सौ से ज्यादा नहीं लिखने फाइव मार्क्स हैं जो आप पकड़ सकते हो इस सेक्शन में एक मार्क है करेक्ट फॉर्मेट के लिए तो वो तो आपको मिलने ही वाला है इस वीडियो के बाद टू मार्क्स फॉर कॉन्टेंट वो भी हम आपको सिखा देंगे सो आपके टोटल मार्क्स हो गए थ्री उसके बाद हम आपको एक्सप्रेशन के बारे में भी थोड़े टिप्स दे देंगे ना मेक करो ठीक है सो एग्जाम में चॉइस बिटवीन टू पेड आर्टिकल्स के बीच में चॉइस आ जाए या दो रिपोर्ट्स के बीच में चॉइस आ जाए या तो एक रिपोर्ट और एक आर्टिकल के बीच में चॉइस आ जाए सो मेक योर चॉइस वाइजली यस सो व्हाट इज अ रिपोर्ट रिपोर्ट क्या है रिपोर्ट एक इवेंट की डिस्क्रिप्शन होती है और आपके सिलेबस में ज्यादातर एक्सीडेंट्स और फंक्शंस की बात होती है ठीक है तो वो याद में रखना कि आपको इन चीजों को डिस्क्राइब करना है ठीक है अपनी रिपोर्ट में ये क्वेश्चन आंसर करो वॉट वेन वाई हु वेयर हाउ अगर आपने अपनी रिपोर्ट में ये सब इनकॉर्पोरेट कर लिया तो आपको एक्सप्रेशन और कॉन्टेंट में काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे ठीक है सो so, इसमें आप और क्या इंक्लूड कर सकते हो एक्शन टेकन बाय द अथॉरिटीज अकाउंट्स ऑफ पीपल हु वर इन्वॉल्व इन द इवेंट और द एक्सीडेंट है ना अकाउंट्स मतलब पर्सनल एक्सपीरियंसिस ऑफ द पीपल एंड देन ऑफ रिकमेंडेशर ओन राइट सो आपको बेसिकली uh, दो टाइप के नोटिस मिल, रिपोर्ट uh, मिलेंगे एज आई हैड कन्वेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो इट विल लाई द बी फॉर अ अल मैगजीन और अ न्यूज़पेपर सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ अ इन द न्यूज पेपर रेलम ठीक है तो पहले तो टाइटल आ जाता है सो इज़ ऑलवेज अबाउट द इवेंट सो इफ इट्स अबाउट अ लिटटरी कैंपेन तो लिटरेरी कैंपेन आपकी हेडिंग बन जाएगी टाइटल बन जाएगा इफ इट्स अबाउट अ ब्लड डोनेशन कैंप देन आपने तो देख ही लिया है यहाँ पर यही हो रहा है एंड वट एवर वट एवर जो भी इवेंट है वह आपका टाइटल बन जाता है ठीक है एंड देन डेजिग्नेशन आ जाती है रिमेंबर कि उसके नीचे आपको सबसे पहले बाय लिखना होता है और बाय को कैपिटलाइज कभी मत करना ठीक है बाय ऐसे लिखेंगे एंड देन नेम आ जाएगा आपको एग्जाम में नेम दिया हुआ होगा क्वेश्चन में सो so, यहां पे सुचिता है एंड हमने सुचिता तो लिख दिया और आपके यहां लिखा भी होगा कि आप हिंदुस्तान टाइम्स में काम कर रहे हो या एक्स वाई सी टाइम्स में काम कर रहे हो ठीक है तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय नाम स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट ये आपकी डेजिग्नेशन होगी और अगर मैंशन नहीं है ना डेजिग्नेशन तो कोई बात नहीं आप स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट लिख के आओ ठीक है Cool. तो उसके बाद आप जाओगे और प्लेस लिखोगे कि ये कहां पे रिपोर्ट कर रहे हो और ये कब आप रिपोर्ट कर रहे हो ठीक है तो आप देखोगे न्यू डेली जो भी प्लेस दी रखी है या फिर अगर नहीं दे रखी तो बना दो कुछ भी एंड देन द डेट रिमेंबर डेट ऐसे नहीं लिखनी शॉर्ट फॉर्म में डेट नहीं लिखते हैं वी ऑलवेज राइट द डेट इन द फुल फुलॉर्मैट ऑफ वॉट अ डेट इज सपोज टू बी अबाउट सो ये रहा आपका फॉर्मैट इसको फॉलो कर लो लर्न कर लो प्रैक्टिस कर लो तो एक नंबर तो हमारे ऑलरेडी हैं ठीक है अब स्कूल अगर आपको स्कूल मैगजीन के लिए एक रिपोर्ट आ जाती है तो देन आप टाइटल लिखोगे ठीक है और उसके बाद वही सेम चीज़ में अब बाय नेम एंड देन आप अपनी क्लास लिखोगे ठीक है क्लास लिख देना अगर मैंशनड है एंड देन डेजिग्नेशन अगर डेजिग्नेशन दी हुई है तो इसमें अपने आप इंक्लूड मत कर देना ठीक है सो देन दिस इज लाइक फेयरली सिंपल राइट ओके सो रिमेंबर टाइटल बाय

Uh, थोड़ा कंटेंट को थोड़ा वो फोकस करा करो। तो कभी भी अगर आप एक एक्सीडेंट या फिर आप एक दुर्घटना के बारे में लिख रहे हो तो ये लाइन रट लो अ डैश ट्रिगर्ड फियर एंड एग्जाइटी इन द माइंड ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ डैश विहार ठीक है तो यहां पे ये जो डैश विहार है ये प्लेस हो गई एंड देन Uh, जो आपकी डैश है डे लाइट रॉबरी है इन दिस केस वो आपका इवेंट हो गया सो अ कार एक्सीडेंट हैज हैज्रिगेड फियर एंड एग्जाइटी इन द माइंड ऑफ द रेजेंस ऑफ डैश विहार दैट वुड भी अप्रोप्रिएट बट फॉर समथिंग लाइक डे लाइट रॉबरी या फिर कोई क्रिमिनल अटैक या ये सब है तो इन चीज़ों के लिए ये लाइन काफी अच्छी करती है ठीक है तो इंट्रोडक्टरी लाइन शुड ऑलवेज बी अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दिस इंसिडेंट है ना तो आप बात करो कि इस इंसिडेंट से जो लोग उधर रह रहे हैं उनकी फीलिंग्स को क्या इंपैक्ट पड़ा है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक्सीडेंट की बात होती देन यू कुड से दैट रोड एक्सीडेंट हैज़ ट्रिगर्ड फीयर इन द माइंड ऑफ पीपल है ना और अ रोड एक्सीडेंट हैज़ ट्रिगर्ड अलॉट ऑफ सस्पेशन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स इन द माइंड ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस इन दिस केस इट्स एक्सवाइजी विहार ठीक है उसके बाद आप डिस्क्राइब करो मैंने आपको बताया था वॉट हु वैन वेयर हाउ तो हमने डिस्क्राइब डिस्क्राइब इधर कर रखा ठीक है फोर आर्म ड्रॉबर्स एंडेड अ फ्लैट बिलोंगिंग टू अ बैंकर इन ब्रॉड डे लाइट ठीक है एंड अबाउट टू पी एम सब कुछ आंसर है द बैंकर ब्ला 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 सब कुछ कर लिया है देन वी ऑल्सो डिस्क्राइब की उस यू नो पर्टिकुलर इंसिडेंट में हुआ क्या था ठीक है वॉट एंड बाकी सारे क्वेश्चंस तो हमने पहले ही आंसर कर दिए देन हमने उसका रिजल्ट भी करा राइट right? रिजल्ट में हमने जाके बोला दैट द करंट द कंसर्न फैमिली इज ट्रामेटाइज एंड द लोकैलिटी हैज़ एक्सटेंडेड देयर इमोशनल सपोर्ट टू देम द पुलिस हैव रजिस्टर्ड अ कंप्लेंट ऑफ रॉबरी एंड अ सर्च इज अंडर वे आफ्टर स्केचेज ऑफ द क्रिमिनल्स वर प्रोड्यूस्ड फॉलोइंग एन इन्वेस्टिगेशन रिमेंबर योर रिपोर्ट्स स्पेसिफिकली जो दुर्घटना और एक्सीडेंट्स पे होती हैं दे शुड ऑलवेज कंक्लूड विद अ पर्टिकुलर एक्शन ठीक है तो एक्शन आप ये बोल सकते हो कि पुलिस ने ये कर लिया um, या फिर क्रिमिनल्स पकड़े गए या फिर ये करे गए बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू जस्ट से दैट द पुलिस हैव रजिस्टर्ड कंप्लेन एंड एंड एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है ये आप हर चीज में कर सकते हो येस आइडियली सिंस वी हैव नो ग्रामेटिकल एरर्स इन दिस हमें इसमें फाइव ऑन फाइव मिल जाते राइट सो एक्सीडेंट का ये रहा आपके पास एक एग्जाम्पल टू पर्सन वर किल्ड एंड फोर वर इंजर्ड वन अ ट्रक हिट एन एस यू वी कार इन विच देर वर सिक्स इन इन विच दी सिक्स पीपल वर ड्राइविंग द एक्सीडेंट टूक प्लेस एट एक्स वाई जी रोड एट नाइन पी एम सो पहले भी हमने इम्पैक्ट फर्स्ट सेंटेंस में जेनेट कर दिया कि इस इंसिडेंट का इम्पैक्ट क्या था so, इनकेस में दो लोग मर गए एंड चार लोग इंजर हो गए एंड क्यों हुए ये इवेंट था वेन अ ट्रक हिट एंड एस यू वी कार राइट right? एक्सीडेंट कब टेक प्लेस हुआ था नाइन पी एम डेट ऊपर दे रखी है एंड द एक्सीडेंट ट प्लेस वेयर एट एक्सवाइजी रोड उसके बाद हमने डिस्क्राइब कर रखा है द ट्रक ड्रिफ्टेड ब्ला ब्ला बला क्राश द कार वॉज क्राश इन द इम्पैक्ट उसके बाद हमने उसका और इम्पैक्ट जनरेट कर दिया दैट टू पीपल डाइड ऑन द स्पॉट द एक्सीडेंट कॉज द मेजर डिले इन एम्बुलेंसिस दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ दिस इवेंट सो एक्सीडेंट में हमेशा रिजल्ट इंक्लूड करो एंड ऑल्सो इंक्लूड द लॉस ऑफ लाइफ्स और द इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिटी है ना तो ये सारी आइडियाज़ हैं जो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो एंड देन हमने कंक्लूड कर दिया बाय सेइंग द ट्रक ड्राइवर हैज बीन अरेस्टेड एंड अ कोर्ट केस हैज़ बीन फाइल्ड बाय द विक्टिम्स फैमिलीज अगेंस्ट हिम सो इज अ गुड कंक्लूजन राइट नाउ हम चलते हैं स्कूल रिपोर्ट पर तो स्कूल रिपोर्ट आपको ऑफकोर्स स्कूल रिपोर्ट में आपको एक्सीडेंट्स के बारे में लिखना नहीं आएगा राइट बट यू कैन ऑलवेज अज्यूम की इवेंट के बारे में ही आने वाले एंड द इवेंट इज ऑफकोर्स हैप्पी बिकॉज स्कूल मैगज़ीन आई डोंट थिंक यू राइट अबाउट एक्सीडेंट्स राइट तो यहाँ पे इसका इतना कोई रिजिड फॉर्मेट नहीं होता ठीक है बट इट्स वेरी एडवाइजेबल टू स्टार्ट बाय सेइंग कि इवेंट कब हुआ पहले ठीक है सो यहाँ पे इंग्लिश वीक फ्रॉम फिफ्थ डिसंबर टू ट्वेल्थ डिसंबर दिस वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ईच वन ऑफ फर्स्ट टू रिकेगनाइज द ब्यूटी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज तो इसमें ना यू ट्राई टू राइट अ लिटिल लिटिल ब्यूटिफुल ठीक है सो राइट ऑर्नामेंटल लैंग्वेज राइट ऑर्नामेंटल लैंग्वेज विच मीन्स ट्राई टू डेकोरेट योर कॉन्टेंट आप फॉर्मल रिपोर्ट्स में जो स्टाफ कॉरस्पॉन्डेंट वाली थी जो आपने इससे पहले देखी है उसमें ये सब नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज वो बहुत फॉर्मल होती हैं लेकिन इन कंपैरिजन टू दोज दीज आर अ लिटिल इनफॉर्मल इन नेचर ऐसा नहीं है कि इनफॉर्मल है कि आप इसमें कुछ भी लिख दो बट दे आर यू नो रिलेटिवली इनफॉर्मल मतलब एज कम्पेयर टू द स्टाफ कॉरस्पॉन्डेंट रिपोर्ट्स ठीक है तो इसमें आप डिस्क्राइब करो कि इवेंट में क्या हुआ वॉट वॉज द एम ऑफ द इवेंट ठीक है वॉट हैपन्ड इन द इवेंट वट वॉज द एम ऑफ द इवेंट एंड देन द बेसिक वन लाइक हु वॉट वेन वेयर चीफ गेस्ट इंक्लूड कर दिया करो ठीक है तो यहाँ पे हमने अरुण धती रॉय इंक्लूड कर दी है एंड डट बाई ये वंडरफुल एक्सपीरियंस था ठीक है एंड ऑल्सो राइट अबाउट द प्रोमिनेंट इवेंट दैट टुक प्लेस विद इन दिस इवेंट फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश वीक में आप इमेजिन करो क्या क्या हो सकता है यू नो डिबेट हो सकती है एलोक्यूशन कॉम्पिटेंस कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं डिस्कशन हो सकती है पोएट्री रेसिटेशन हो सकती है और अगर ये इवेंट इतने सारे हैं तो यू you नो know, बहुत सारे लोग दूसरे स्कूलों से भी आएंगे पार्टिसिपेट करने में तो सोचा करो यू नो बिकॉज इंग्लिश में इंग्लिश राइटिंग में इट्स ऑल अबाउट योर इमेजिनेशन सो so, हम कितना भी एक्सप्लेन कर लें रिमेंबर दैट योर इमेजिनेशन इज द बेस्ट आप इमेजिन करो खुद इमेजिन करो कि अगर आपके स्कूल में कुछ हो रहा होता तो आप खुद अगर ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइजर होते तो आप क्या क्या करते एंड आई एम श्योर विद एवरीथिंग दैट वी हैव डिस्कस टूडे फाइव ऑन फाइव आपके गारंटीड हैं राइट सो सम टिप्स एंड ट्रिक्स नंबर वन अफकर्स प्रैक्टिस द फॉर्म एट मेनी टाइम्स बिफोर द एग्जाम वी ऑलवेज से दिस अटेंट सैंपल क्वेश्चन आपको उसकी स्लाइड अभी मिल जाएगी डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट इन एनी सर्कमस्टांसिस हु वॉट वेन वेयर हाउ इसको हमेशा याद रखो कीप दिस इन योर माइंड ठीक है जब भी आप इस पर एक क्वेश्चन कर रहे हो कीप दिस इन योर माइंड एंड देन डोंट वरी ऑफकोर्स राइट सम थिंग्स टू नो रिमेंबर डिस्क्रिप्टिव कॉन्टेंट इज अ मस्ट इसका यह मतलब नहीं है कि आप सब कुछ लिख के आ जाओ रिमेंबर सब कुछ हमें नहीं लिखना है बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिस्क्रिप्टिव कॉन्टेंट इज अ मस्ट मतलब आपको बेसिक क्वेश्चन आंसर करने हैं राइट right? हु वॉट वेन वेयर हाउ ऑलवेज आंसर दैम एंड कंक्लूड बाय अकॉल टू एक्शन और वट एवर एक्शन वॉज टेकन डिस्क्राइब दी इम्पैक्ट्स कि उस इवेंट के इम्पैक्ट कॉलोनी पे या फिर यू नो लोकेटी पे क्या थे सेंटर अलाइनमेंट ऑफ द टाइटल मतलब जो आपका टूपर टाइटल आता है और बाई नेम स्टाफ कॉरस्पॉन्डेंट्स एक्सेट्रा वो सब आप सेंटर में लिखते हो है ना यू राइटेड इन द सेंटर एंड जैन जो आपके कॉन्टेंट की बॉडी होती है वो आप लेफ्ट अलाइन करते हो ठीक है थर्ड पर्सन नो आई रिमेंबर आई यूज़ नहीं करते स्पेशली इन द स्टाफ कॉरस्पॉन्डेंट रिपोर्ट जो न्यूज पेपर में लिखते हो उसमें यू डोंट राइट आई डिड दिस आई डिड दैट इसमें भी नहीं करते एंड आई आई शुड से कि स्कूल रिपोर्ट में भी मत करा करो इसे ठीक है तो राइट इन थर्ड पर्सन वर्ड लिमिट इज़ अ मस्ट रिमेंबर हम बहुत रिएटेडिट करते रहते हैं वर्ड लिमिट इज़ अ मतलब करो यार तुम दो से ज़्यादा मत लिखो नॉट ऑर्नामेंटल जस्ट प्रैक्टिकल एज़ फार एज द न्यूज़ पेपर रिपोर्ट आर कंसर्न प्रैक्टिकल लैंग्वेज यूज़ करो एंड सिक्स इमेजिन योर सेल्फ एज अ रिपोर्टर कम ऑन यार यू ऑल आर स्टूडेंट्स तुम स्टूडेंट्स हो तुम इमेजिन करो पुट योर सेल्फ इन द एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग बिकॉज रिमेंबर ये ऑफकोर्स मार्क्स के लिए तो करना ही पड़ता है बट अगर तुम एक कोई टेंजेबल स्किल चाहिए वो इमेजिनेशन है ये दुनिया इमेजिनेशन पर चलती है ठीक है और तुम्हारे इमेजिनेशन इतनी ज़्यादा गिफ्टिड हैं इतनी बढ़िया हैं It's ni expressive, and you 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 guys are full of wonder, right? So imagine yourself as a reporter, and then write. I think this is the secret in anything: imagination, right? Now that's a little John Keats of me, but yes, imagine.

Learning how to write a beautiful report about not so beautiful things because accidents or uh, crimes ke mein hai. But yes, I'm sure you are going to score 5 on 5 now. Do follow us on Instagram at grand.cad and join our telegram just meeting is related notes. So telegram hai wo description medal dia hai or pinned comment maybe tal Okay, till next time, keep winning, you champions!